माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पति ही आओ सब कोई। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं बीएचयू पाठशाला परिवार की ओर से, सीवीटी परिवार की ओर से, जो भी हमारे छात्रवृंद हैं आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे भी अपनी तैयारी को लेकर के अब उत्तरायण में प्रवेश कर जाएं। चूंकि भगवान नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो अपने ज्ञान, अपने शक्ति, अपने तेज से संपूर्ण राष्ट्र को सुख, वैभव और ऐश्वर्यता को प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मकर संक्रांति क्या कहती है, तो कहती है कि भैया आप लोग भी अब अपने जो पढ़ाई है उसको उत्तरायण में ले चलिए, परीक्षा नजदीक है और तैयारी में गति दीजिए। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी बीएचयू पाठशाला को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को गति देते रहें। बीएचयू पाठशाला यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर सारे क्लासेस का उपलब्ध है, तो भैया देरी न करते हुए अड़ोस पड़ोस में बताइए, आप भी इसका लाभ उठाएं, ठीक है ना। आइए हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। तैयारी का जो हम लोग का था लेक्चर था उसमें हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है, हम लोग की जो तैयारी का क्रम था, हम लोग की तैयारी चल रही थी पिछले वीडियो में आपने देखा था, आज भी हम लोग कुछ वीडियो लेकर के आए हैं। शुरुआत में बता दें कि आज का जो 10-20 जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न आएगा आपके सामने वो सब दर्शन से संबंधित रहेगा, ठीक है। और दर्शन में जो दर्शन है, दर्शन में दो पुस्तकें से क्वेश्चन लगभग आता है, एक तो है सांख्यकारिका, ठीक है ना, किससे, सांख्यकारिका से, और दूसरा है तर्क संग्रह से, ठीक है ना, तर्क संग्रह से, एक सांख्यकारिका दूसरा तर्क संग्रह। तो आज लगभग इन्हीं दो पुस्तकों से कुछ प्रश्न आए हैं वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि महत किम अस्ति, ठीक है, ये प्रश्न आपका सांख्यकारिका से किससे है, तो सांख्यकारिका से है, ठीक है, ये प्रश्न आपका सांख्यकारिका से है, किससे है, सांख्यकारिका, ठीक है ना। सांख्यकारिका के रचयिता कौन है, तो भैया सांख्यकारिका के रचयिता है ईश्वर कृष्ण, ठीक, कौन है, ईश्वर कृष्ण, सांख्यकारिका के रचयिता कौन है, ईश्वर कृष्ण, ठीक है। ये सांख्यकारिका किस दर्शन से संबंधित है, तो सांख्यकारिका सांख्य दर्शन संबंधित है, किससे, सांख्य दर्शन, ठीक है ना, ये सांख्य दर्शन संबंधित है। अब सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है, तो आपको ये भी जानना है कि सांख्य दर्शन के आचार्य महर्षि कपिल हैं, ठीक है ना, ये सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, कि महत किम अस्ति, ठीक है, महत क्या है, ठीक है ना, तो प्रकृति है अथवा विकृति है, अथवा प्रकृति विकृति है, अथवा ना प्रकृति ना विकृति है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, 25 तत्वों को मानता है सांख्य दर्शन, जिसमें से पुरुष और प्रकृति, ठीक है ना, पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तो 25 तत्व निकलते हैं, ठीक है। तो उन 25 तत्वों में सबसे पहले आपका बुद्धि तत्व आता है, उसके बाद अहंकार आता है, अहंकार से फिर आपका एकादश ज्ञान इंद्रिय आती है, पंच तन्मात्रा आता है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत आते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो वही पूछ रहा है कि महत तत्व क्या है, महत तत्व, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो महत तत्व है, हम देखते हैं कि इधर प्रकृति हुआ और इधर पुरुष हुआ, ठीक है, पुरुष प्रकृति, इन दोनों का जब संयोग हुआ तो सबसे पहले महत तत्व निकलता है, क्या निकलता है, महत तत्व, ठीक है ना, महत तत्व, जिसको हम बुद्धि तत्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बुद्धि तत्व भी कहते हैं। अब महत तत्व के बाद क्या निकलता है, तो महत तत्व के बाद अहंकार निकलता है, क्या निकलता है, अहंकार, ठीक है ना, इस प्रकार अहंकार निकलता है, अहंकार से एकादश ज्ञान इंद्रिय निकलती हैं, और इसी से पंच तन मात्राएं निकलती हैं, और पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत निकलते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार हमने देखा था। तो पूछ रहा है कि महत की मस्ती, अर्थात महत क्या है, तो इसमें आपको बताना है प्रकृति है कि विकृति है, कि प्रकृति विकृति है, कि ना प्रकृति ना विकृति है, ठीक है। तो प्रकृति मतलब होता है, प्रकृति मतलब होता है जिससे कोई चीज उत्पन्न हो, ठीक है, जैसे कोई चीज उत्पन्न हो। अब विकृति मतलब होता है जो उत्पन्न हुआ हो, जैसे मान लो दूध है, ठीक है ना, तो दूध क्या है, अब दूध से आप क्या बनाते हैं, तो दूध से दही बनता है, ठीक है ना, दही निकलता है दूध से, तो ये जो दही है ये विकृति हो गया, ठीक है,
ये विकृति हो गया। अब प्रकृति क्या है? दूध, ठीक है, दूध प्रकृति हो गया, अब दूध से दही निकलना विकृति हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि महत किम अस्ति, अर्थात महत क्या है? महत प्रकृति है कि विकृति है, कि प्रकृति विकृति दोनों है, कि ना प्रकृति है ना विकृति है? तो ठीक, तो ना प्रकृति ना विकृति पुरुषः, ये जो पुरुष है ये तो ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है। अगर इस पुरुष के बारे में पूछेगा तो डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रश्न पूछ रहा है कि महत किम अस्ति, माने ये जो महत तत्व है इसको आप देखिए, महत तत्व जो है, अब महत तत्व जो है ये किसी से प्रादुर्भूत है, किसी से निकला है, ठीक है। तो ये निकला है माने इन दोनों के संयोग से महत तत्व आया है, तो ये हुआ क्या? ये हुआ विकृति, किसका? इन दोनों की विकृति है, ठीक है। तो पहला इसको हम इधर लिखते हैं कि ये क्या है, ये विकृति है माने किसी से निकला है। फिर देखते हैं कि महत तत्व किसी को उत्पन्न भी करता है, किसको? तो अहंकार को, ठीक है। तो माने ये जनक भी है और जन्य भी है, माने ये उत्पन्न भी हुआ है और उत्पन्न भी करता है, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों की विकृति हो गया, और फिर जब उत्पन्न करता है तब प्रकृति हो जाता है, ठीक है। तो प्रकृति हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रकृति हो जाता है। तो उत्तर इसका अब ये हुआ प्रकृति और विकृति, ठीक है। तो इसमें खोजते हैं कि कहीं प्रकृति विकृति है, तो देखिए सी नंबर जो ऑप्शन है, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति माने ये जो महत तत्व है, महत प्रकृति भी है और विकृति भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है सांखकारिका से, पुनः सांखकारिका से प्रश्न आ रहा है कि सांखकारिकायाम कीदृशम कैवल्यम, ठीक है। सांखकारिका किस प्रकार के कैवल्य को मानता है? तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति मानता है, अथवा एकांतिक दुख की निवृत्ति मानता है, अथवा सुख सुखाव्यक्ति मानता है, अथवा एकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति मानता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे देखे हैं सांख कारिका के दूसरे या तीसरे कारिका में, ठीक है, आता है। तो इसका सही उत्तर है कि कैवल्य जो मानता है सांख, क्या करता है? सांख दर्शन कहता है कि भैया एकांतिक और आत्यंतिक इन दोनों प्रकार के दुखों से हमारा निवृत्ति हो जाए, हमारी निवृत्ति हो जाए तो हमको मोक्ष मिल जाता है, कैवल्य मिल जाता है। एकांतिक और आत्यंतिक से तात्पर्य होता है कि एक बार समाप्त हो जाए दुख और दोबारा ना आवे, तो एकांतिक और आत्यंतिक हो जाता है। तो दूसरे नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। आप लोग देखते रहें और सवाल को बहुत ही बढ़िया से पढ़ते रहें, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उत्क्षेपणम कस्य प्रकारः, ठीक है। तीन नंबर जो क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन आया है आपका तर्क संग्रह से, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि तर्क संग्रह और सांखकारिका इन दोनों से संबंधित प्रश्न आज मैं लेके आया हूं। तर्क संग्रह किसकी कृति है भैया? तो तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की कृति है, ठीक है ना। किसकी कृति है? अन्नम भट्ट की, ठीक है। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की कृति है, और तर्क संग्रह ये जो ग्रंथ है ये न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। किसका? तो न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। न्याय प्लस वैशेषिक का क्या है? न्याय और न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है ना, ये तर्क संग्रह। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्क्षेपणम कस्य प्रकारः, माने उत्क्षेपण किसका प्रकार है? तो हम देखते हैं कि उत्क्षेपण गमनस्य का प्रकार है, कि भ्रमण का है, कि कर्मणः का है, कि करणस्य का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। और इसके आंसर पे हम लोग देखते हैं कि तर्क जो तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह में कितने पदार्थ हैं? सात पदार्थ हैं। कितने द्रव्य हैं? नौ द्रव्य हैं। ये हमने पढ़ाया है, आप लोग पढ़िए। तो उत्क्षेपण अक्षेपण आकुंचन प्रसरण ग्रमणानि पंचकर्माणि, ठीक है, पंचकर्माणि। तो इसका सही उत्तर होगा कर्मणः, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तर्क संग्रह में पंचकर्माणि बताया गया। पंचकर्माणि क्या है? तो कहते हैं कि उत्क्षेपण अक्षेपण आकुंचन प्रसरण और गमनानि पंचकर्माणि, तर्क संग्रह बताया गया। प्रश्न नंबर चौथे पे हम चलते हैं। चौथा हमारा प्रश्न क्या है
कि गंधवत्वम कस्य लक्षणम, ठीक है, गंधवत्व किसका लक्षण है, तो वायु का है, जल का है, दिशा का है, कि पृथ्व्याह किसका लक्षण है, ठीक है। तो आपको चार नंबर प्रश्न है, ये भी तर्क संग्रह से प्रश्न आया है आपके लिए, आपको बताना है कि गंधवत्व गंधवत्वम कस्य लक्षणम, गंधवत्व किसका लक्षण है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए और हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी, ठीक है। गंधवती क्या है, पृथ्वी, तत्र गंधवती, तत्र गंधवती पृथ्वी, सात द्विविधा नित्यानि नित्यस्य। आप लोग जब तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही बढ़िया से स्पष्ट है, ठीक है। तो प्रश्न आया है, प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ सकता है तर्क संग्रह, भाई दर्शन दिया है, केवल दर्शन लिखा है, ठीक है ना, केवल दर्शन सिलेबस में दर्शन लिखा है, दर्शन में सर आस्तिक दर्शन, तीन नास्तिक दर्शन, छह आस्तिक, तीन नास्तिक, ठीक है, जैन, बौद्ध, चार्वाक, सांख, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये सब इसमें आता है, ठीक है ना। तो अब दर्शन में कहां से प्रश्न पूछ ले, कह नहीं सकते, तो इसीलिए तैयारी बढ़िया से करते रहिए, ठीक है। तो चार नंबर जो प्रश्न है, चार नंबर प्रश्न का आंसर होगा पृथ्व्याह, ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, पांच नंबर जो प्रश्न है, पांच नंबर कह रहा है कि तर्क संग्रह अनुसारम शीत स्पर्शवत् कस्य लक्षणम, शीत स्पर्शवत् किसका लक्षण है, पृथ्वी का, जल का, वायु का, कि परदुख का लक्षण है, ठीक है। तो आपको बताना है भैया कि शीत स्पर्शवत् आपः, ऐसे एक लाइन आती है कि शीत स्पर्शवत् आपः, आपः मतलब जल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, कहां गया है, कहीं जल, हाँ इधर बी नंबर, तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। पांच नंबर जो प्रश्न है ये भी तर्क संग्रह से आया है, जल्दी से आप लोग प्रश्न को देखते रहिए, प्रश्न के प्रारूप को देखते रहिए। मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि इसे वीडियो को देख रहे थे तो किसी विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया कि सर जो आप कुछ हिंदी के प्रश्न भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी के भी कुछ प्रश्न इसमें हिंदी के भी आ जाते हैं और कुछ संस्कृत के आते हैं, तो उस बालक ने प्रश्न किया कि सर जो हिंदी में जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं क्या वो भी प्रश्न आएंगे। अरे भैया हिंदी में पहले हिंदी में प्रश्न पूछा जाता था, फिर बाद में भाषा परिवर्तित हुआ, चूंकि आप मास्टर के प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं तो संस्कृत कर दिया, संस्कृत कर रहे हैं, तो जो प्रश्न वहां हिंदी में था उसी का अनुवाद संस्कृत में करके संस्कृत में पूछ लेता है, ठीक है। अब जैसे लिखा है कि तर्क संग्रह अनुसार शीत स्पर्शवत्यम कस्य लक्षणम, ठीक है ना, तो ये किसका लक्षण है ऐसा पूछ रहा। अब हिंदी में लिख दे कि तर्क संग्रह के अनुसार शीत स्पर्शवत्यापह, शीत स्पर्शवत्य किसका लक्षण है, ऐसे हिंदी में लिख दे, और चाहे तर्क संग्रह अनुसार शीत स्पर्शवत्म कस्य लक्षणम संस्कृत में लिख दे, बात तो वही है ना, चाहे कनवा को ऐसे पकड़िए चाहे घुमा के ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ कहने रहे हैं, तो प्रश्न वही है कि हिंदी में पूछे चाहे संस्कृत में, पूछेगा संस्कृत में, निश्चित रहे संस्कृत में पूछेगा। जो गत वर्ष के, मैं तो कोई प्रश्न बना नहीं रहा हूं अपने, जो गत वर्ष में आए हैं साल दो साल दस साल बीस साल पहले, मैं उस प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूं, तो उसमें कुछ हिंदी के भी आएंगे, कुछ संस्कृत के भी आएंगे, जाहिर सी बात है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्रश्न हिंदी में आता है तो भी उसको समझ लीजिए, संस्कृत में आता है तो भी समझ लीजिए, हिंदी में जो आता है वो भी संस्कृत में उसकी भाषा परिवर्तित करके वो भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा शीत स्पर्शवत्यापः, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे नंबर प्रश्न पे, छठा नंबर क्या है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधः, इंद्रियों का सन्निकर्ष कितने प्रकार से होता है, पांच प्रकार से, चार प्रकार से, छह प्रकार से, कि तीन प्रकार से, आपको बताना है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधः, ठीक है, इंद्रियों का सन्निकर्ष कितने प्रकार से होता है। प्रश्न कहां से है आप लोग जान रहे होंगे, प्रश्न है तर्क संग्रह से, इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः, ठीक है, षड्विधः ये इसका उत्तर सही होगा, ठीक है ना, षड्विधा ये इसका उत्तर सही होगा। इंद्रियों का सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है, तो षड्विधा छह प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, सातवां है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः इति, ये क्या है, तो गुणाः ये गुण है, अपवादाः अपवाद है, पदार्थाः पदार्थ हैं, कि स्पर्शाः स्पर्श। तो आपको बताना, यदि आप तर्क संग्रह पढ़े होंगे तो शुरुआत में ही जब सप्त पदार्थों की चर्चा होती है, किसकी, सप्त पदार्थों की, माने सात पदार्थों की चर्चा होती है, सप्त पदार्था, ठीक है, क्या है, जब सप्त पदार्थों की चर्चा होती है, सप्त पदार्था, ठीक है, तो क्या आता है, सप्त पदार्था आता है, ठीक है।
तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभाव सप्त पदार्थ माने पदार्थ की चर्चा हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसका उत्तर सही होगा सी नंबर, इसमें पदार्थ की चर्चा हो रही है। ये भी तर्क संग्रह से प्रश्न आया है, तर्क संग्रह से प्रश्न पूछा है और पदार्थ की इसमें चर्चा हो रही है, ठीक है। स्पर्श क्या है तो शीत वर्ष शीत स्पर्श व त्यापह, ठीक है, स्पर्श जल का वो बता रहा है, ठीक है। गुण क्या है तो चतुर्विंशति गुणा, इसी में 24 गुण की बारे में 24 गुण के बारे में भी चर्चा हुई है, ठीक है। कितने की 24 गुण, तर्क संग्रह में कितने गुण है यदि गुण पूछ ले तो चतुर्विंशति गुणा माने 24 गुण है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने आठवें नंबर प्रश्न पे। आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अभावस्य प्रत्यक्षम भवति, ठीक है, माने अभाव का प्रत्यक्ष होता है। ये आप लोग को बताना है कि अभाव का प्रत्यक्ष होता है संयोग संबंधेन समवाय संबंधेन संयुक्त समवाय संबंधिकर्षेण विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण, ठीक है। आपको बताना है कि अभाव से अभाव का प्रत्यक्षम भवति, अभाव का प्रत्यक्ष होता है। आठ नंबर प्रश्न है आपके लिए लेकर आए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको उत्तर बताना है कि अभावस्य प्रत्यक्षम भवति, अभाव का प्रत्यक्ष होता है तो संयोग संबंध से होता है, समवाय संबंध से होता है, अथवा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होता है, अथवा विशेषण विशेष सन्निकर्ष से होता है, ठीक है। तो आठ नंबर जो प्रश्न है उसका आठ नंबर प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न जो हमारा नौवां प्रश्न है, नौवें प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। नौवां प्रश्न आप सभी देखिए, नौवां प्रश्न पढ़िए आप लोग। व्यापस्य पक्ष धर्मत्वधि इति किम, ठीक है, माने व्यापस्य पक्ष धर्मत्वधि इति किम, क्या है तो परामर्श का लक्षण है, अनुमिति है, पक्षता है कि प्रतिज्ञा है, आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। तो प्रश्न नौ ये भी कहां से आया है तो भैया ये भी इस समय सब तर्क संग्रह से प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है ना, सब तर्क संग्रह से प्रश्न, ये जो कुछ प्रश्न है मैं लेके आया हूँ कुछ तर्क संग्रह से, और जो पढ़ा रहा हूं इसी में से निश्चित है कि इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नौ नंबर प्रश्न है कि व्यापस्य पक्ष धर्मत्वधि इति किम, तो परामर्श अनुमति ही पक्षता प्रतिज्ञा, इन चारों में से क्या होगा, तो नवे नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर होगा परामर्श, ठीक है, परामर्श उसका सही आंसर होगा, किसका, नौ नंबर प्रश्न का परामर्श इसका सही आंसर होगा। अग्रे चलामः, सर्वम शून्यम, ये दस नंबर प्रश्न है कि सर्वम शून्यम इति केन बौद्ध संप्रदायेन स्वीकृतम, ठीक है, माने सब कुछ शून्य है इति ऐसा केन, किस बौद्ध संप्रदाय ने स्वीकार किया, बौद्ध धर्म के चार स्वीकार, बौद्ध धर्म में चार संप्रदाय है वो कौन कौन से हैं, तो भैया सौत्रांतिक माध्यमिक सौत्रांतिक वैभाषिक और योगाचार, ये चार संप्रदाय है। तो इसमें से आपको बताना है कि सर्वम शून्यम कौन मानता है, ठीक है, सर्वम शून्यम कौन मानता है ये आपको बताना है, ये कहां से है तो ये बौद्ध दर्शन से है, ठीक है। चार्वाक जैन बौद्ध है ना, चार्वाक जैन बौद्ध, तो ये तीन नास्तिक दर्शन है, चार्वाक जैन, चार्वाकवा तो कहता है कि मृत्यु पुनर्जन्म होवे नहीं करता, होता ही नहीं है, वो कहता है कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, आप सभी उसका श्लोक पढ़े होंगे कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, माने कि जब तक जियो भैया खूब ऐसो आराम खूब आनंद से दियो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पैसा ना हो तो किसी सेठ महाजन के यहाँ से किसी के यहाँ से कर्जा ले लो, कर्जा ले करके घी पियो, घी पीने का तात्पर्य कि खूब सुख का खूब ऐश्वर्य का खूब भोग करो, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए आपकी सुख सुविधा में, इस प्रकार से वो कहता है कि जब पुनर्जन्म होना ही नहीं है तो फिर इसको चुकाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये चार्वाक का मत है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि सर्वम शून्यम ये कौन मानता है, तो इसका आंसर है कि माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक इसका सही आंसर है। हम लोग आगे चलते हैं, मृतपिंड घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते, ऐसा प्रश्न है 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो मृतपिंड है माने वो घट का
कीदृशम कारणम उच्यते, किस प्रकार का कारण है। घट के प्रति, घट के प्रति ये जो मृत पिंड है माने जो घड़ा है, इस घड़े के प्रति जो मिट्टी से जो बनाते हैं भाई, मिट्टी आया चाक पे, मिट्टी रखते हैं घुमाते हैं चाक को तो घड़ा का निर्माण होता है। तो वही कह रहे हैं कि घटस्य मृत पिंड घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते, कैसा कारण कहा जाता है। तो निमित्त कारण है, समवाय कारण है, असमवाय कारण है, कि समवाय असमवाय कारण है, कि समवाय असमवाय दोनों कारण है। तो आपको बताना है भैया कि जो मृत पिंड है वो मृत पिंड क्या है। तो मृत पिंड घटस्य कीदृशं कारणम उच्यते, ऐसा आपको। तो निमित्त है, निमित्त कारण है, निमित्त कारण नहीं है। क्यों निमित्त कारण, तो वो जो तुरी बेमापट ये होता है ये हो जाता है। तो मृत पिंड घटस्य कीदृशं कारणम, तो समवाय कारणम, ठीक है, समवाय कारण है, ये आपको याद रखना है और पढ़ना भी है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। पटस्य किम कारणम ऐसे भी पूछ सकता है बहुत, क्योंकि पहले और कोई उदाहरण नहीं देते थे, ये घटपट यही सबका उदाहरण देते थे, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर बी है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए कि यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते तदा अनयोर इंद्रियार्थ सन्निकर्षा कः, ठीक है, क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है यदा, जब चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते तदा अनयोः, अनयोर इंद्रियार्थ सन्निकर्षा कः, जब चक्षुरादियों का घट के रूप से, ठीक है, घट रूप से जब सन्निकर्ष होता है तो किस प्रकार का सन्निकर्ष होता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो संयोग सन्निकर्ष होता है कि समवाय होता है, कि संयुक्त समवाय, कि संवेद समवाय। तो समवाय समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, इस प्रकार से जो सन्निकर्ष है उसके बारे में आपको यह प्रश्न पूछ रहा है, उसे जानकारी देनी है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते तदा अनयोर इंद्रिया सन्निकर्षा कः, कौन सा सन्निकर्ष है। तो भैया आपको बताना है कि समवाय सन्निकर्ष है, कि संयोग सन्निकर्ष है, कि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, कि संवेद समवाय सन्निकर्ष है, इसमें से कौन सा सन्निकर्ष है, आप इसका जानकारी दें और सही उत्तर दीजिए। यह प्रश्न आप सभी के सामने है और इसका प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है ना। तो 12 नंबर जो प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है कि संयुक्त समवाय, ठीक है, संयुक्त समवाय संबंध है, कौन सा संबंध है, संयुक्त समवाय संबंध। अब हम अगले प्रश्न पे अपने चलते हैं, जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि पटम प्रति माने पट के प्रति तुरी बेमादिकं कीदृशं कारणं भवति, ठीक है। तो पट के प्रति तुरी बेमा इत्यादि ये किस प्रकार के कारण है, तो समवाय कारण है, असमवाय कारण है, स्वरूप कारण है, कि निमित्त कारण है। बहुत सरल आंसर है कि निमित्त कारण है, क्या है, निमित्त कारण है, ठीक है। 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, जो प्रश्नोत्तरी चल रही है इसका आप सभी लोग लाभ उठाएं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए अपनी तैयारी को एक दिशा प्रदान करें और गति दें, ठीक है, जिससे परीक्षा, तो फार्म आप लोग का आ ही चुका है, फार्म भर रहे होंगे आप सभी लोग, आधे लोग तो भर चुके होंगे, आधे लोग सिलेबस कवर भी कर चुके होंगे, कुछ लोग दोहरियाने में भी हो गए होंगे। तो भैया इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आप अकेले नहीं हैं इस वीडियो को या इस लेक्चर को देखने वाले, केवल आप अकेले विद्यार्थी नहीं है या दो विद्यार्थी नहीं, बहुत सारे इस लेक्चर को देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं, धीरे धीरे अपनी तैयारी करते हैं और जब एग्जाम होता है तो उसमें वो अपनी प्रदर्शन को निखारते हैं और अपने चरित्र को उसमें प्रकट करते हैं और बढ़िया से पास हो जाते हैं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है, निमित्त कारण। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् अत्र साध्य कः, ठीक है। तो भैया बताना है कि पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् अत्र साध्य का, यहाँ साध्य क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी साध्य, गंधवत्वम साध्य की इतर भेद है कि गंधवत्वम, ठीक है। आपको बताना है किसमें से साध्य क्या है, किसमें, तो पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् इसमें साध्य क्या है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर, इतर भेदः, ठीक है, यहां ये साध्य, ठीक है। इसको आप सभी लोग देखते रहिए, क्योंकि प्रश्न को देखिए, प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कहां से कैसे पूछ रहा है, ठीक है ना। हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्याय सूत्राणाम प्रणेतुः गौतमस्य अपरम नाम किम्। न्याय शास्त्र जो है, न्याय दर्शन, न्याय तो न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य कौन है? महर्षि गौतम है, ठीक है। अब महर्षि जो गौतम है, गौतम का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। कणाद इनका नाम है कि वररुचि इनका नाम है कि अक्षपाद नाम है कि गदाधर इनका नाम है। तो न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य, जाहिर सी बात है आप सभी को पता है, महर्षि गौतम है, ठीक है। न्याय दर्शन में न्याय सूत्र इनका ग्रंथ है, न्याय सूत्र। गौतम का दूसरा नाम अक्षपाद है, क्या है? तो अक्षपाद है, ठीक है। वररुचि माने ये कात्यायन जी हैं, ठीक है, ये कात्यायन जी हैं। कणाद ये वैशेषिक दर्शन के प्रणेता आचार्य हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। अक्षपाद हो गए न्याय दर्शन के, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ आचार्य हैं, उनके बारे में पूछ सकता है कौन किस दर्शन संबंधित है। तो आप लोग एक तरफ दर्शन लिखिएगा, एक तरफ उनके आचार्य का नाम लिखिएगा, और ध्यान से मस्तिष्क में या दिमाग में या जहां कहीं भी रखना होगा रखे रहेगा कि एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ ले तो उसको मिला लीजिएगा। और निश्चित है कि एक ना एक प्रश्न तो इससे जरूर आएगा कि आचार्यों का किस दर्शन संबंध है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि न्याय, ये इसका आंसर तो आप सभी जान गए कि न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य जो महर्षि गौतम है, गौतम का दूसरा नाम, अपर नाम क्या है? तो अक्षपाद है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तर्क भाषायाः प्रणेता विद्यते। तर्क भाषा भी एक रचना है, एक कृति है, एक ग्रंथ है, भी दर्शन का एक ग्रंथ है। तर्क भाषा, तर्क संग्रह और तर्क भाषा, ठीक है। अंतर याद रखिएगा कि जो तर्क संग्रह है उसके रचयिता का कौन है? अन्नम भट्ट जी हैं। कौन है? अन्नम भट्ट जी हैं, ठीक है। तर्क संग्रह के रचयिता कौन है? अन्नम भट्ट है। और जो तर्क भाषा है उसके रचयिता कौन है? तो ये केशव मिश्रा है, ठीक है। तो तर्क भाषा यह प्रणेता विद्यते, तर्क भाषा के रचनाकार कौन है? तर्क भाषा के रचनाकार केशव मिश्र जी हैं। और तर्क संग्रह के रचनाकार जो पूछ ले तो तर्क संग्रह के रचनाकार अन्नम भट्ट जी हैं। कौन है? अन्नम भट्ट जी हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 16 हम लोगों ने देखा, प्रश्न नंबर 17 भी हम लोगों ने, अच्छा मैदान 15 देखा, 15 16 देखा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न 17 पे चलते हैं, ठीक है। तर्क संग्रह अनुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति, माने संस्कार मात्र जनक जो ज्ञान है वो क्या है? तो अनुभव है, यथार्थ है, स्मृति है कि प्रमाण है? आपको बताना है कि तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क संग्रह जो ग्रंथ है उस तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम क्या है? कह, तो आपको बताना है वो क्या है? अनुभव है कि यथार्थ है कि स्मृति है कि प्रमाण है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सरल प्रश्न है ये, अब इससे सरल कुछ भी नहीं आ सकता। यदि आप इसका भी आंसर न दे पाए तो आप फिर, मैं क्या ही कहूं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, ज्ञान तो होवे करेगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? स्मृति, ठीक है। तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम स्मृति, ठीक है। क्या होगा? स्मृति होगा। 17 नंबर जो प्रश्न है इसका होगा स्मृति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न क्या है? तर्क संग्रह अनुसारम शब्द साक्षात्कार कह सन्निकर्षः, शब्द के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि शब्द साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है। 18 नंबर प्रश्न है। आप लोग देखिए और इसका सही आंसर बताइए कि सही आंसर क्या है, ठीक है ना।
तो भैया तर्क संग्रह के अनुसार शब्द साक्षात्कार के समय या शब्द साक्षात्कार में कह सन्निकर्ष कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है कि समवाय होता है कि समवेद समवाय होता है कि विशेषण विशेष भाव होता है। ठीक है, आपको बताना है कि शब्द साक्षात्कार कह सन्निकर्ष तो समवाय समवाय सन्निकर्ष, ये इसका सही आंसर हुआ। क्या 18 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर ए है। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि तर्क संग्रह अनुसारम प्रमाणान संदेह, तर्क संग्रह में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, तो तर्क संग्रह में 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं कि 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तर्क संग्रह में 3 प्रमाण, 4 प्रमाण अथवा 5 प्रमाण अथवा 60 प्रमाण, कौन सा प्रमाण स्वीकार किया गया है? तो सभी लोग जानते हैं कि तर्क संग्रह के अनुसार 4 प्रमाण स्वीकार किया गया है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण, ये 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 20 नंबर प्रश्न पे। 20वां प्रश्न क्या है कि तर्क संग्रह अनुसारम अनुमानम नाम, अनुमान का क्या नाम है? ठीक है, तर्क संग्रह के अनुसार अनुमानम नाम किम, तो विशेष विशेषस्य उदाहरण व्याप्ति की लिंग ज्ञान। ठीक है, अनुमान क्या है, तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा, लिंग ज्ञान। ठीक है, लिंग ज्ञान अनुमानम, तर्क संग्रह के अनुसार अनुमानम नाम लिंगम। ठीक है, अनुमान का होता है लिंग का ज्ञान, लिंग ज्ञान। अब 20 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है, 20 प्रश्न के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इक्कीस नंबर प्रश्न पे सांख्य मते एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार एकादश जो 11 जो इंद्रियां हैं वो जायत मतलब निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं किससे? तो अभी मैंने शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एकादश इंद्रियों की शुरुआत किससे होती है, अहंकार से कि महत से कि प्रकृति से कि पंचतन मात्रेभ्यः। ठीक है, पंचतन मात्राओं से होती है कि प्रकृति प्रकृति से होती है कि महत्त्व, ये जो महत्त्व है इसी महत्त्व को बुद्धि तत्व भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बुद्धि तत्व भी कहते हैं। ठीक है ना, बुद्धि तत्व। अब ये हुआ पुरुष, ये हुआ प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ तब ये निकला क्या, बुद्धि। आज जब बुद्धि निकल आई तब बुद्धि से फिर क्या निकलता है, अहंकार। ठीक है, अहंकार। अब अहंकार से क्या निकलता है, तो अहंकार से दो निकलता है क्या, तो एक तो एकादश इंद्रियां निकलती हैं और दूसरा पंचतन मात्रा निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, पंचतन मात्रा। तो अब पूछ क्या रहा है कि सांख्य के अनुसार एकादश जो इंद्रिय है वो किससे उत्पन्न होती हैं? तो सबसे पहले पुरुष प्रकृति दोनों का संयोग हुआ तब बुद्धि तत्व निकला, बुद्धि से अहंकार निकला। अब अहंकार से एकादश इंद्रिया निकली और पंचतन मात्रा निकला। तो आंसर तो आपके सामने है कि एकादश इंद्रिया माने ये किससे निकला है, तो अहंकार से निकला है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर इसका सही होगा कि सांख्य मत के अनुसार एकादश इंद्रियां जायन्ते तो अहंकारात माने अहंकार से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अहंकार के बाद। 21 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते। एक ग्रंथ है वेदांत सार। ठीक है, ये वेदांत सार ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका। ठीक है, क्या है, सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखा है। सदानंद ने क्या लिखा, सुरेश्वर ने, और शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ठीक है, आप शारीरिक भाष्य लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं शारीरिक भाष्य। ठीक है ना, उसके बाद सदा, इसका सही आंसर क्या होगा, 22 नंबर जो प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सदानंद योगींद्र। ठीक है, सदानंद योगींद्र, ये वेदांत सार एक ग्रंथ है। ठीक है, जब आप लोग एमए में जब प्रवेश लेंगे तो कहीं कहीं वेदांत सार एमए में चलता है, कहीं कहीं कुछ शास्त्री इत्यादि परीक्षा में जो परंपरा वाले हैं उसमें शास्त्री में ही शायद वेदांत सार इत्यादि पढ़ा देते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब आप एमए में प्रवेश लेंगे तो वहां आपको वेदांत सार पढ़ाया जाएगा। तो वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते, कर्ता कौन है, तो सदानंद। ठीक है, सदानंद इसके लेखक हैं या कर्ता हैं। सदानंद योगींद्र का पूर्ण नाम है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखा है।
इस प्रकार से 22 नंबर प्रश्न को हमने देखा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सांख्य में सांख्य पंगवंध्यो पुंगवद वर्तते। ठीक है, तो देखता है कि सांख्य में पंग और अंध जो न्याय है पंगवंधवद न्याय उसमें पंगवद वर्तते। ठीक है, मान लीजिए ये जो पुरुष है ये क्या है पुरुष और ये है प्रगति। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में ऐसा मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति वो पंग अंधवद न्याय की भांति चलता है। ठीक है, किसकी भांति न्याय पंग अंधवद माने पंग मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है, पंग मतलब होता है लंगड़ा और अंध मतलब होता है अंधा। ठीक है, तो ये जो अंधा और लंगड़ा लंगड़ा और अंधे वाला जो न्याय है वो क्या है पंग अंधवद न्याय कहलाता है। तो उसमें जो पंगवद है वो पंग के समान कौन कर रहता है तो भैया इसका आंसर होगा पुरुष। ठीक है, अब प्रधान गुणत्रयम और प्रलय इसमें ऑप्शन में नहीं है क्या पुरुष है और प्रकृति प्रकृति अन्य तीन ऑप्शन में नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब भैया पुरुष और प्रकृति ही सांख्य कारिका में यही दो है इन्हीं दो से सब कुछ होता है तो पंग अंधयो पुंग पंगवद वर्तते। पंग और अंधवद जो न्याय है वो न्याय तभी लागू होगा जब पुरुष और प्रकृति होंगे। तो इसमें पुरुष तो है पुरुष है लेकिन प्रकृति नहीं है तो पूछ रहा है कि पंग अंधवद पंग अंध क्या है कि सांख्य पंग वंध्य पंग वंध न्याय पंगवद वर्तते। जो पंग और अंध माने न्याय है पंग अंधवद न्याय उस न्याय में पंगवद कौन है तो इसका सही आंसर होगा पुरुष। पुरुष इसलिए सही होगा कि प्रकृति नहीं है तो इतना दिमाग लगाएंगे तो तुरंत चारों ऑप्शन देखेंगे तो भैया पुरुष और प्रकृति हैं तो प्रकृति इसमें नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पुरुष इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, अब हम लोग अपने 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है हमारा क्षम्यताम 24 नंबर प्रश्न सांख्य मत में लघु प्रकाशकस्य लघु प्रकाशकंच। ठीक है, सांख्य के अनुसार लघु और प्रकाशक कौन है तो तम है कि सत्व है कि रज है कि रूप है। तो कहा सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः इस प्रकार का एक कारिका आती है उसको आप लोग याद कर लीजिए तो पकड़ ले जाएंगे। तो 24 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या है सत्वम क्या है सत्वम लघु प्रकाशकम कारिका है कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम इष्ट इष्टम कारिका भूल रहे हैं विस्मृत हो रही है तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव इसे करके है। तो 24 नंबर जो प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है सत्व माने सत्व। ठीक है, जो तीन गुण है सत्व रज तम उसमें जो सत्व गुण है वो लघु है और प्रकाशक लघु माने हल्का है और प्रकाश उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, और रजोगुण जो है वो चंचल है। ठीक है, तो 25 नंबर जो प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि षष्ठी तंत्रम। ठीक है, ये मिसप्रिंट छपा है षष्ठी ये होगा। ठीक है, षष्ठी तंत्रम। ठीक है, अभी सही हो गया। ठीक है, ये जो ना है इसको हलंद कर लीजिएगा बस सही हो जाए ना को हलंद कर लीजिएगा और यहाँ त्रा लगा लीजिएगा षष्ठी तंत्रम। ठीक है, षष्ठी तंत्रम किम ये पूछ रहा है कि ये न्याय का ग्रंथ है कि वैशेषिक का ग्रंथ है कि सांख्य का ग्रंथ है कि वेदांत का ग्रंथ है। ठीक है, तो सांख्य का ग्रंथ है अथवा न्याय का ग्रंथ है। ठीक है, आपको बताना है जो 25 नंबर प्रश्न है षष्ठी तंत्र किससे संबंधित है। ठीक है, ये किस दर्शन संबंधित है तो भैया न्याय दर्शन संबंधित है अथवा वैशेषिक दर्शन संबंधित है अथवा सांख्य का सांख्य ग्रंथ है अथवा वेदांत का ग्रंथ है। ठीक है, तो जब मैं आपको सांख्य कारिका का परिचय पढ़ा रहा था तो षष्ठी तंत्र कनक सप्तति ऐसे मैंने कई सारे नाम आपको बताए थे उसमें से एक नाम है षष्ठी तंत्रम। ठीक है, तो ये सांख्य कारिका से संबंधित है माने सांख्य का एक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको आप सभी ध्यान से देखिएगा तैयारी कीजिएगा पढ़िएगा। तो 25 नंबर प्रश्न हो गया, आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए बस यहीं तक प्रश्न था, ठीक है ना। तो आज की जो हम लोग के प्रश्नों की श्रृंखला थी, वो प्रश्न की श्रृंखला यहीं तक थी। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम नमो नमः।